गुड मॉर्निंग। हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज़ पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस में कट करते हैं। एक कॉमन एग्जांपल जो हमने इसका पढ़ा था, दैट वाज इन ईको आर वन एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो डीएनए को इस सीक्वेंस पर कट करता है। द नेम ऑफ द सीक्वेंस इज GAATTC। नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पेसिफिक सीक्वेंस, और जो एंजाइम स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट करता है, इस रिस्ट्रिक्टेड सीक्वेंस को कट करता है, उसे हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बहुत तरह के होते हैं। उनमें से ईको आर वन एक टाइप है जो सिर्फ इसी डीएनए सीक्वेंस को कट कर सकता है। वो भी कट करेगा बिटवीन जीएनए लाइक दिस, और जब यहाँ से कट होगा तो इस तरह के डीएनए दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। आप देख सकते हैं, दिस इज़ पार्ट वन, this is part 1 and this is part 2. So DNA has been divided into two parts. So this is a restriction enzyme. Now restriction enzymes jis area mein cut karte hain us area ko hum bolte hain palindromic sequences. What is a palindromic sequence? DNA ka ek aisa sequence jo dono strands mein same read karta hai. So if we take this DNA sequence as 5-2 3-, to aap dekh sakte hain it is reading GAATTC, right? और इसके नीचे वाली स्ट्रैंड होगी 3-2 5-. अगर हम रीडिंग पोलैरिटी सेम रखें तो इट इज़ ऑल्सो रीडिंग अगेन GAATTC। तो अगर हम डीएनए का रीडिंग पोलैरिटी 5-2 3-, रखें तो दोनों स्ट्रैंड्स इट विल रीड द सेम। दिस काइंड ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस और अ पैलिंड्रोमिक डीएनए। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ज़्यादातर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करके उसे कट करते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं, व्हाट इज अ पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस? इट इज़ अ डीएनए सीक्वेंस दैट रीड्स द सेम ऑन बोथ स्ट्रैंड्स। जब हम रीडिंग की ओरिएंटेशन को सेम रखते हैं, लेट मी रिपीट, एक ऐसा डीएनए सीक्वेंस व्हिच विल रीड द सेम ऑन बोथ द स्ट्रैंड्स, जब हम ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग को सेम रखते हैं, दैट मीन्स फ्रॉम 5-2 3-. तो अगर आप यहाँ देखें, दिस इज अ डीएनए सीक्वेंस GAATTC। इसको जब आप 5-2 3-, पढ़ेंगे तो ये GAATTC पढ़ेगा, और जब इसको नीचे से 5-2 3-, के डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो अगेन इट इज़ गोइंग टू रीड द सेम। देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड अ पैलिंड्रोम, एंड दिस पैलिंड्रोम इज रेड बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ईको आर वन। इसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट कर सकता है, वो भी सिर्फ जी और ए के बीच में। इट विल ऑलवेज कट द डीएनए बिटवीन जी एंड ए, राइट? तो जब कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करता है तो डीएनए के दो टुकड़े हो जाते हैं। कभी कभी इन टुकड़ों में इस तरह से ओवरहैंगिंग सीक्वेंसेस रहते हैं जिनको हम कहते हैं स्टिकी एंड्स, और कभी कभी इस तरह का एंड रहता है जिसे हम कहते हैं ब्लंट एंड। तो सो व्हेन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स एनी पैलिंड्रोम, दो तरह के हमारे एंड्स बनते हैं, अ स्टिकी एंड और अ ब्लंट एंड। नाउ व्हाट इज़ अ स्टिकी एंड? स्टिकी एंड इज ओवर हैंगिंग स्ट्रेच ऑफ डीएनए। डीएनए का लटकता हुआ हिस्सा अगर किसी पार्ट में रह जाए तो हम उसे स्टिकी एंड कहते हैं। इसे हम स्टिकी एंड इसलिए कहते हैं बिकॉज दे हैव फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस पेयर के साथ अटैच स्टिक करने के लिए तत्पर रहते हैं। दे वॉन्ट टू अटैच टू अ कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस पेयर, दे आर कॉल्ड स्टिकी एंड्स। सो डेफिनेशन वुड बी ओवरहैंगिंग स्ट्रेच ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का वो लटकता हुआ हिस्सा जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा कट किया गया हो और सेंटर से अवे कट किया जाता है। अब देख सकते हैं, इसको हम सेंटर में कट नहीं करते, बिल्कुल साइड्स में कट करते हैं। एंड दे स्टिक टू कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दीज आर कॉल्ड स्टिकी एंड्स। ये देखिए, यहाँ पर दिस इज अ स्टिकी एंड एंड दिस इज अ स्टिकी एंड। ब्लंट एंड ज़्यादातर सेंटर में कट किया जाता है, वो डीएनए सीक्वेंस होता है जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब किसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को सेंटर में कट कर दे, देन इट इज़ कॉल्ड अ ब्लंट एंड। फॉर एग्जांपल, अगर हमने इसी सीक्वेंस को सेंटर में कट किया होता ऊपर और नीचे बिटवीन टीएनए, तो इस तरह का एंड बनता हमारा। देखिए, दो पीसेज इस तरह से बनते, और आप देख सकते हैं इसमें कोई भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का सीक्वेंस नहीं है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ ब्लंट एंड। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जब जी और ए के बीच में ईको आर वन कट कर रहा है तो ये देखिए, दिस इज़ अ स्टिकी एंड, दिस इज़ अ स्टिकी एंड। इन्हें स्टिकी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस पेयर के साथ अटैच करते हैं वेरी क्विकली, दे स्टिक टू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। और जब हमने ईको आर वी की मदद से कट किया
ऑन दिस पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस. तो आप देख सकते हैं इसने बीच में कट किया बिटवीन टी एन ए, यहाँ पे भी टी एन ए के बीच में कट किया और नीचे भी टी एन ए के बीच में कट किया है. तो इस तरह के सीक्वेंसेस बनते हैं जिनको हम कहते हैं ब्लंट एंड्स. इसमें कोई ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस नहीं है. इको आर वन इज वन काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. इको आर वी आर फाइव इज अनदर काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. और ये दोनों अलग अलग नाइट्रोजन बेस पेयर के सीक्वेंसेस को रीड करते हैं. सो अब अगर हम यहाँ देखें तो आप देख सकते हैं यू लुक हियर, यहाँ पे आपने सेंटर में कट किया है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लंट एंड्स बन रहे हैं. यू कैन सी यहाँ पे ब्लंट एंड है, यहाँ पे ब्लंट एंड है, राइट. और अगर आप देख रहे हैं यहाँ साइड में जब कट करते हैं तो ये स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता है. दिस इज स्टिकी एंड, दिस इज स्टिकी एंड, राइट. एंड दीज आर द नेम ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं और ये वो डी एन ए सीक्वेंसेज हैं या वो पैलिंड्रोम्स हैं जिन्हें कट किया जा रहा है, राइट. तो ये देख सकते हैं आलू वन एंड ही थ्री ब्लंट एंड्स कट कर रहे हैं, राइट. दीज आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. बैम एच वन हिंड थ्री एंड इको आर वन स्टिकी एंड्स क्रिएट कर रहे हैं, राइट. ये इनके आप देख सकते हैं आलू वन का जो पैलेंड्रोम सीक्वेंस है दैट इज ए जी सी टी. ये देखिए फाइव डैश इन से रीड कीजिए ए जी सी टी और नीचे से भी रीड करेंगे तो इट विल ऑल्सो बिकम ए जी सी टी. सो दीज आर ऑल पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस, राइट. आई गेस आज के लिए इतना ही करते हैं. हैव अ नाइस डे.